तो हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगा आपको इंजन को फ्लश कैसे करते हैं। अगर आप इंजन को फ्लश करना नहीं जानते हो तो आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखना, इंजन फ्लश करना जान जाओगे। आप अपने घर में भी इंजन फ्लश कर सकते हो, किसी मैकेनिक से भी करवा सकते हो, बहुत ही इजी वे में। मैंने पोल डाला था एक अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में, उसमें मैंने कहा था क्या आपको इंजन फ्लश की प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कहा हाँ चाहिए। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको, ये रहा हमारा टीटी ऑयल। ये जो तरीका आपको देखोगे ये बहुत ही डिफरेंट तरीका होने वाला है। काफ़ी सारे भाई जो है मेरे को नीचे कमेंट करके बताएंगे अपने 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 अपनी जो बातें हैं, वो अच्छा लगेगा सुन के, आप बताना मुझे। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक इंजन फ्लश की, तो उनमें मैंने बताया भी था कि टीटी ऑयल का डीजल का प्रयोग करके आप अपने इंजन को फ्लश कर सकते हो। तो अभी ये जो बाइक आप देख रहे हो, इस बाइक के अंदर इंजन ऑयल पहले से डला हुआ है, वो इंजन ऑयल काला हो गया होगा, वो इंजन हम निकालेंगे ऑयल को, और उसके बाद इंजन ऑयल को फ्लश कैसे करना है, क्या कैसे कब करना है, बिना किक वाली गाड़ी में भी इंजन ऑयल फ्लश कैसे करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो फटाफट से इसका इंजन ऑयल निकालते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइस, हमने लिया है 1 लीटर का मग्गा और हमने इसका इंजन को ऑयल का बोल्ट खोलना है। जैसे कि खोलेंगे 17 नंबर का बोल्ट होता है इसके अंदर, तो फटाफट से खोलिए भैया। तो गाइस, इंजन ऑयल पूरा निकल चुका है और जैसे कि आप देख रहे हो पूरा इंजन ऑयल काला हो चुका है, एकदम बेकार। और अब हम इसके अंदर, अभी ऑयल को हमने निकलने देना है पूरा तरीके से, एकदम कंप्लीटली। तो गाइस, अब ऑयल का नट हम टाइट कर देंगे। ऑयल के नट को आपको पूरा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से आप टाइट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पाने को भी लगा के टाइट कर सकते हो, बट हल्का सा आपको हाथ से भी टाइट करने से चल जाएगा। हल्का सा पाना लगा के भी टाइट कर सकते हैं हम। अब इसकी गाइस ये जो डिपस्टिक आप देख रहे हो इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम अपना टीटी ऑयल मिक्स करेंगे। ये जो टीटी ऑयल है ये हम डालेंगे, कम से कम इसमें आधा बोतल डाल देंगे, यानी कि आधा लीटर ये जो टीटी ऑयल है डाल देंगे हम एक ऑयल कीप के सहारे। तो फटाफट से इसको डालते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसमें ऑयल फिल्टर दे रखा है जैसे कि आप देख रहे हो सामने, ऑयल फिल्टर को भी बाहर निकाल लेना है अगर आपको लगता है ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे तो। तो इसमें फटाफट से टीटी ऑयल डाल देंगे हम। तो गाइस, एक कीप ले लेंगे हम और उस कीप के जरिए अपने टीटी ऑयल को हम इसके इंजन में डालेंगे। बिना ऑयल फिल्टर वाली गाड़ी और ऑयल फिल्टर वाली गाड़ी दोनों को इस तरीके से आप ऑयल जो हमारा टीटी ऑयल है उसको यूज़ कर सकते हो। आधी बोतल टीटी ऑयल डालना है आपको, आपको ध्यान रहे आधी बोतल डालना है, और उसके बाद आपको कीप हटा देनी है और डिपस्टिक वापस लगा देनी है। अब उसके बाद डिपस्टिक लगाने के बाद आपको स्पार्क प्लग खोलना है। स्पार्क प्लग मैं इसलिए बोल रहा हूँ खोलने के लिए, ताकि आप अपनी गाड़ी में किक मारने पर, आपको जब आपकी गाड़ी अगर सेल्फ की है तो भी आपको कोशिश करना है सेल्फ की जगह आप किक मारो, मतलब किक मारना ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी सेल्फ वाली है और किक वाली नहीं है, सिर्फ सेल्फ ही ऑप्शन है, तो अपनी गाड़ी को आप चाबी ऑन करके प्लग खोल के प्लग अडाप्टर हटा के सेल्फ मार सकते हो। उससे भी आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल रोटेशन है वो इंजन रोटेट होगा और आपकी गाड़ी में जो टीटी ऑयल हमने डाला है वो टीटी ऑयल प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा और सारा का सारा गंदगी जो है अपने अंदर कंजप्ट ले लेगा, कंजप्ट कर लेगा। तो अभी हम इसका प्लग खोलेंगे, प्लग खोलने के बाद फटाफट से किक मारेंगे और किक कम से कम हमें कितनी मारनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से इसका प्लग खोलते हैं। प्लग देखो, प्लग खोलने के बाद होता क्या है, प्लग खोलने के बाद इंजन में जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है और उसके बाद आप आसानी से किक को मार सकते हो। तो अब आपको किक मारनी है, कम से कम 20 से 25 किक लगानी है आपको, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, नीचे जो ऑयल का मग्गा आप देख रहे हो वो ऑयल बहुत काला हो चुका है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। अभी इसको हम फटाफट से किक मारते हैं, 25 से 30, फटाफट से मारिए भाई। हमारी जो किक है वो लग चुकी है, कम से कम 25 से 30 किक लगानी है आपको मिनिमम। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में किक नहीं है तो आप अपनी गाड़ी का सेल्फ का उपयोग कर सकते हो, उस दौरान आपको अपनी गाड़ी का प्लग खोल लेना है और प्लग अडाप्टर को हटा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और अब हम क्या करेंगे फटाफट से, तो फटाफट से इसका हम
ये जो हमने ऑयल टीटी ऑयल डाला था, इस टीटी ऑयल को निकालते हैं, और टीटी ऑयल को निकालने के बाद आपसे मिलते हैं टीटी ऑयल के साथ। ओके, तो गाइस जो ऑयल का मग्गा है इसको हम साइड में करते हैं, और एक दूसरा एक लीटर का हमने एक मग्गा लिया है, मग जो होता है हमारा, एक मिनट दिखाना जरा। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन मग है, कहीं आप सोचो मैंने गंदा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है, ऑयल का मग है ये, एक लीटर का है। तो फटाफट से हम इसके अंदर वो जो हमने टीटी ऑयल डाला था वो निकालेंगे, और वो टीटी ऑयल निकालने के बाद आपसे आपको दिखाते हैं एक नीट एंड क्लीन बोतल के अंदर डाल के कि हमारी उसमें गंदगी कितनी ज़्यादा मिक्स हो गई है। यानी कि हमने इंजन ऑयल जब चेंज कराना है तो इंजन ऑयल चेंज कराने से पहले हमारा फ्लश कितना ज़्यादा जरूरी होता है, ये सिर्फ एक वीडियो आपके इसलिए बताई जा रही है आपको, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा भी होता है गाड़ी के अंदर। ओके, तो ये देखिए हमारा जो इंजन ऑयल टीटी ऑयल है ये निकल चुका है, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक बोतल में डाल के प्रॉपर तरीके से इसमें कितनी गंदगी मिक्स हो चुकी है, ये आप खुद देखोगे इंजन ऑयल के अंदर। अब आपको किक नहीं मारनी है, अब काफ़ी सारे भाई बंधु ये बोलेंगे कि भाई इसमें जो टीटी ऑयल निकाला है आपने वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रह गया होगा, तो इस बारे में जो इंजन में टीटी ऑयल रह गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी जानकारी, बस थोड़ा सा वीडियो में रुक जाइए। और आप सबसे पहले मैं टीटी ऑयल निकाल लेता हूँ सारा, टेढ़ी टाढ़ी कर भाई, गाड़ी टेढ़ी करो, थोड़ी सी हल्की सी गाड़ी टेढ़ी करनी है नाम मात्र आपको, हल्की सी नाम मात्र राइट साइड में टेढ़ी करनी है हल्की सी आपको। ये टीटी ऑयल हमारा निकल चुका है। ओके, अब ये टीटी ऑयल निकलने के बाद अब इसको हम एक बोतल में डालते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कितनी गंदगी है। तो ये जो टीटी ऑयल है हम इसको इस वाली कोक वाली बोतल में डालेंगे ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी पूरी नजर आए, और मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसमें जो गंदगी निकली वो कितनी गंदगी निकली आकर, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंजन में कितनी गंदगी होती है और ये जो गंदगी निकलती है कितनी ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, इसका ढक्कन लगाओ और मुझे दिखाओ, ये देखिए ढक्कन। तो ये देखिए गाइस, ये जो बोतल है थोड़ी गर्म हो गई है क्योंकि इसमें मैंने किक जो मारी थी और इसके इंजन जो हीटिंग थी पहले से ही, और ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर, ये देखिए, ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर यार, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ओ भाई साहब, ये आपके इंजन की गंदगी है दोस्तों, देख रहे थे, ये देखिए ये इतने इंजन की गंदगी है। तो यार देखो बोतल एकदम क्लीन थी, टीटी ऑयल एकदम क्लीन था, और सब कुछ आपको दिखाई चुका हूँ मैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने इसमें किया है यही प्रोसेस सेम और करना है इतने वाले टीटी ऑयल से ये और करना है, जैसा मैंने अभी किया है सेम ऐसे ही दोबारा करना है। यानी कि आपको कभी भी इंजन ऑयल डालने से पहले अगर आपको फ्लश करना है तो आपको, तो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा पहला स्टेप, अब ये जो हमारा टीटी ऑयल बचा है जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इस टीटी ऑयल से वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है जो हमने अभी किया था। तो इस सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे फिर से, और उसके बाद हमें इंजन ऑयल डालना है। तो अब आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे होंगे, पहला कन्फ्यूजन तो ये होगा कि इसके ऑयल फिल्टर को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, और दूसरा कन्फ्यूजन ये होगा कि इसके इंजन में जो टीटी ऑयल रह गया है उसका कैसे होगा, वो कैसे बाहर निकलेगा। तो ये भी चीज़ मैं आपको फटाफट से क्लियर करता हूँ, तो आइए फटाफट से क्लियर करते हैं इसको। तो गाइज आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, देखो इंजन ऑयल जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, और जो टीटी ऑयल होता है वो बहुत पतला होता है। टीटी ऑयल में लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, थोड़ा सा लुब्रिकेशन मतलब लुब्रिकेट होता है, थोड़ा सा चिकना होता है। पर अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल बिल्कुल भी मतलब एकदम लुब्रिकेशन नहीं होता, चिकना नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं आपको क्यों मना करता हूँ इंजन को फ्लश करने के लिए पेट्रोल से, पेट्रोल जो होता है बहुत हार्ड होता है वो, अगर आप पेट्रोल से इंजन फ्लश करते हो, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों को देखा है, तो एक लीटर पेट्रोल लेके इंजन में डालते हैं और किक मारते हैं और गाड़ी का इंजन फ्लश कर देते हैं। देखो अगर ऐसा आप करते हो तो आप उस टाइम उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी का इंजन साफ हो जाएगा, बट वो जो पेट्रोल होगा वो आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। पहली हानि ये होगी कि पेट्रोल जो है आपके इंजन को अंदर से पूरा सुखा देगा, और जब अपनी गाड़ी में आप इंजन ऑयल डालोगे उस पेट्रोल से फ्लश होने के बाद, तो इंजन ऑयल प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, रोटेशन नहीं जा पाएगा, और आपकी गाड़ी के जो इंजन के बैरिंग होते हैं बैरिंग आवाज कर जाएंगे कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, यानी कि झंझनाहट वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगी आपकी गाड़ी में साएं साएं करके। ये पहली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल से इंजन फ्लश कर रहे हो तो पेट्रोल के मुकाबले लुब्रिकेशन की बात की जाए टीटी ऑयल की, तो टीटी ऑयल बहुत सस्ता आता है, पेट्रोल बहुत महंगा आता है। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 102-101 रुपये लीटर है, टीटी ऑयल की बात की जाए तो मात्र 60 रुपये लीटर है। तो 60 रुपये या 70 रुपये लीटर वाला टीटी ऑयल यूज़ करके आप अपने इंजन को फ्लश कर सकते हो। इंजन ऑयल कब फ्लश करना चाहिए, देखो पहली पॉइंट की बात तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह जा रही है जहाँ पर आपकी गाड़ी में पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और गाड़ी बंद हो चुकी है, फिल्टर वेटर में हर जगह पानी चले गया है,
बरसातों में क्या होता है, हमारी गाड़ी में साइलेंसर भी डूब जाता है, इंजन भी डूब जाता है, सब डूब जाता है, पानी भर जाता है इंजन में। तो उस दौरान अपनी गाड़ी में आप इंजन फ्लश करा सकते हो। प्लस अगर आपकी गाड़ी में इंजन आपने फ्लश कभी नहीं कराया तो एवरी 10,000 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर या 8 से 10,000 किलोमीटर पर आप अपनी गाड़ी का इंजन फ्लश करा सकते हो। इंजन फ्लश कराने के लिए आपको किसी भी मैकेनिक को सिर्फ ये वीडियो दिखानी है, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखानी है ये दिखानी है, और बहुत ही आसान तरीके से वो इसको इंजन को फ्लश कर सकता है। सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब हम इस टीटी ऑयल को इंजन में डालते हैं तो इस टीटी ऑयल को इंजन में डालने के बाद जब निकालते हैं तो बड़ी तेज़ी से निकलता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है बहुत पतली होती है, पर लुब्रिकेशन बना रहता है। अगर 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें रह भी जाएगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको, बट वहीं अगर पेट्रोल गाड़ी के इंजन में रह गया तो आपको नुकसान उससे बहुत ज़्यादा होगा। एक और बात, अगर अपनी गाड़ी के अंदर आप अगर अपनी गाड़ी के फ्लश करा रहे हो इंजन, तो आप टीटी ऑयल भी ले सकते हो, डीजल भी ले सकते हो, दोनों चीज़ ले सकते हो, डीजल और टीटी ऑयल दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन ऑयल फिल्टर का, देखो अगर आप मैंने अभी आपने देखा मैंने ऑयल फिल्टर था इसमें बट मैंने नहीं निकाला, क्योंकि ऑयल फिल्टर जब मैंने टीटी ऑयल इसमें डाला तो जो टीटी ऑयल है वो ऑयल फिल्टर के पास से होके हुए क्लीन होते हुए बाहर निकला, और जो ऑयल फिल्टर का भी जो गंदगी वाला ऑयल था वो भी उसने बाहर खींच लिया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ऐसा मतलब एडवांटेज ऐसा मैंने कर देता हूँ, बढ़िया रहेगा ये, ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और ये वीडियो के अंदर ये जो तरीका था कैसा लगा मैंने प्रैक्टिकली बताया, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों का क्वेश्चन थे कि भाई प्रैक्टिकली इंजन फ्लश करने की वीडियो बनाइए। BS6 भी ऐसे कर सकते हो, BS4 भी ऐसे करते हो, स्कूटी जो थी ना उसको भी ऐसे आप फ्लश कर सकते हो। बाकी इसमें इतनी गंदगी है आप देख ही रहो, ये मैं आपको दिखाई दिया है, ये इतनी गंदगी है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ दोबारा, ये देखिए कितनी गंदगी है। अब ये सोचिए ये पता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखो ये जो इंजन के अंदर पपड़ी जम जाती है इंजन ऑयल की, वो पपड़ी को खींच खींच के निकालता है, और इसी टीटी ऑयल से मैं इंजन के जो चैम्बर पार्ट होते हैं जब मैं इंजन खोलता हूँ तो वॉश भी इसी से करता हूँ मैं। तो फटाफट वीडियो एंड करते हैं और इस वीडियो को अलविदा कहते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो के लिए मुलाकात करते हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो मेरी शायद होने वाली है बढ़िया, तो आप जल्दी फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर मैं पूरे दिन की अपडेट देता रहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपडेट जितनी भी होती है नई नई जानकारी छोटी छोटी जानकारी बहुत देता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।